फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपके लिए लाए हैं इटालियन पिज्जा की रेसिपी। तो आइए चलते हैं, आपको हम बनाना बताते हैं। तो चलिए हम बताते हैं इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। ये हमने ग्रीन शिमला मिर्च लिया है, येलो शिमला मिर्च और रेड शिमला मिर्च। इसको हमने कुछ इस तरह से काट लिया है, लंबा लंबा सा पूरा काटा, फिर उसको बीच से कट कर लिया है। तो ये छोटे टुकड़े हो गए हैं। ऐसे ही हमने सारी शिमला मिर्च को काट लिया है। ये प्याज हमने ऐसे काटा है। ये हमारी मशरूम है, मशरूम हमने ऐसे गोल सा होता है, ऐसे से लंबा लंबा हमने काट लिया है। ये मेयोनीज है और ये पिज्जा सॉस। ये हमने बेस जो लिया है ये व्हाइट कलर का लिया है। इटालियन पिज्जा में बेस जो होता है व्हाइट कलर का होता है, तो हमने व्हाइट ही लिया है। ओरिगैनो और ये चिली फ्लेक्स। इसमें हम पिज्जा सॉस लगाएंगे। पिज्जा सॉस हम कम भी लगा सकते हैं, ज्यादा भी लगा सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। इसको हम चम्मच से ही लगाएंगे क्योंकि चम्मच से अच्छे से लग जाता है। आप चाहें तो चाकू की मदद से ही लगा सकते हैं। अब इसमें हम मेयोनीज लगा देंगे। यहाँ पर हमने अमूल की चीज ली हुई है और इसको हम बताना भूल गए थे। देखिए, हम चीज को कद्दूकस कर देंगे इसके ऊपर से। हमें जो कटी हुई चीज होती है वो हमको नहीं मिल पाई थी, तो हमने ये वाली ले ली। इसमें प्याज लगा लेंगे लंबा लंबा सा। यहाँ लाल वाली रेड वाले शिमला मिर्च यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर हम मशरूम लगा देते हैं। और ये येलो वाले लगा देंगे यहाँ पर हम। यहाँ पर ग्रीन वाला लगा देते हैं। अब इसके ऊपर हम चीज डालेंगे। बस हमारा पिज्जा बिल्कुल रेडी है बनने के लिए। बस हम चीज कम डालेंगे क्योंकि हमें सब्जियां भी दिखनी चाहिए, तो हम ऊपर से चीज को कम डालेंगे। अंदर हमने काफी ज्यादा डाल दिया है नीचे, आप भी ऊपर कम डालना चीज को। देखिए कि पिज्जा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है बनने के लिए। हमने सजा दिया इसको अच्छे से। और हम पैन में बनाना आपको बताएंगे क्योंकि ओवन सबके यहाँ अवेलेबल नहीं होता है, तो हम पैन में बनाना आपको बताएंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा घी लगा देंगे इसमें, हल्का सा, कि जले ना, चिपके ना। तो हम इसमें हल्का सा घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद हम इसको इस पैन में ऐसे रख देंगे और इसको ऐसे करके ढक देंगे। मात्र 5 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाएगा। अब गैस को ऑन करते हैं हम। गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो रखेंगे और बस इसको ऐसे करके हम चढ़ा देंगे। मात्र 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए, हमारा पिज्जा यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। जितनी भी चीज डाली थी हमने सारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम इसमें ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डालते हैं। ये गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए, हमारा पिज्जा कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है। स्मेल भी काफी अच्छी आ रही है। अब इसको हम काटते हैं। हमको इस तरह काटना है कि सबके हिस्से में सब कुछ आ जाए।
अगर कोई एक एक पीस खाता है तो उसके लिए, और देखिए कितना क्रंची बना है, काटने में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रंची कितना क्रंची बना हुआ है। यहाँ पर हमने देखिए सबको काट लिया है और ये देखिए हमारा पिज्जा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर ये हमारी इटालियन पिज्जा की रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।